दोस्तों आज हम ब्रेड चॉप बनाने जा रहे हैं, जो झटपट बन जाता है, बनाने में भी आसान होता है और बहुत टेस्टी भी होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड और आलू। आलू उबालकर छील लिया है। मसाले के लिए हमें चाहिए हरा धनिया पत्ता, हरा मिर्च, कद्दूकस करा हुआ अदरक, बीट, आमचूर पाउडर, मूंगफली, जीरा, चाट मसाला, नमक, मैदा, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। सबसे पहले आलू को कद्दूकस कर लेंगे। उबले हुए आलू का कद्दूकस कर लिया है। कढ़ाई गरम कर लिया है, तेल डाल लेंगे। तेल गरम हो गया है, एक चुटकी जीरा डालेंगे, कद्दूकस करा हुआ अदरक, हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, इसे हल्का ब्राउन कर लेंगे। हल्का ब्राउन हो गया, इसमें बीट डालेंगे। बीट को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ आलू डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें बाकी की चीजें डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच कच्चा मूंगफली, आप इसे मसल कर तोड़ लें, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार, सारी चीजें मिक्स कर लेंगे। इसे 3 से 4 मिनट भून लें। मसाला भून गया, इसमें हरी धनिया के गार्निश कर लेंगे। आलू का फिलिंग निकाल लिया, इसे ठंडा कर लेंगे। आप देख सकते हैं बीट डालने से कलर कितना प्यारा आया हुआ है। अब मैदा का घोल तैयार करेंगे। 4 चम्मच मैदा लिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल बना लेंगे। इसे अच्छे से मिला लें कि लम्स ना पड़े। घोल तैयार है। घोल को ज्यादा मोटा या पतला नहीं करना है, आप देख सकते हैं। ब्रेड का सारे किनारे निकाल लेंगे। कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब हम ब्रेड चॉप बनाएंगे। ब्रेड को पानी में भिगो लेंगे, ज्यादा देर नहीं रखना है। इसका पानी निचोड़ लेंगे। अब इसमें आलू का फिलिंग्स भरेंगे। इस तरह राउंड शेप में बना लेंगे। चॉप को घोल में डिप करके फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे चॉप को तलेंगे। ब्राउन होने लगा इसे पलट लेंगे। ब्रेड चॉप तैयार है, इसे निकाल देंगे। आप देख
देख सकते हैं चप कितना चप फूल गया है। ब्रेड चपते आ रहे, आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें।